शाहनवाज मिर्जा, गुरुग्राम के अंदर करीब 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा और इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल जो है वो दुबई पहुंचे हुए। सफारी पार्क के स्थापित किए जाने को लेकर आपको बताएं, ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई के शारजहां में जंगल सफारी के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम और नू में सफारी पार्क बनाने से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को संरक्षित करने में मदद मिलेगी और हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना है। वहीं पर जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर आपको बताएं सीएम का जो दौरा है दुबई का, उसको लेकर यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। दुबई दौरे से दिल्ली लौटेंगे सीएम मनोहर लाल, 8:20 पर दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए फिर रवाना होने वाले। 8:20 पर दिल्ली पहुंचते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आएंगे। दरअसल दिल्ली से दुबई के दौरे पर जो है सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे और वहां पर जाकर पार्क देखते हुए और तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए। दुबई के दौरे पर थे सीएम मनोहर लाल, कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया अमन पुरी ने उनका वहां स्वागत किया था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दुबई की दरअसल तस्वीरें हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचते हुए नजर आए। एक बड़े पैमाने पर गुरुग्राम और नू में जो जंगल सफारी है वो बनाने की घोषणा की जाएगी और लगभग 10,000 एकड़ में ये बनाया जाएगा।